ने नैतिकता के नाम पे दिया है मैडम। नेता प्रतिपक्ष रोज रोज हंगामा करते थे, मैं आप लोगों के द्वारा उनसे पूछना चाहती हूँ कि पतंग महोत्सव हुआ था, बहुत महिलाएं बहुत बच्चे मरे, क्या वो अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवाए थे? जब अपने प्रभारी आते हैं चारों खाने चित हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरे प्रभारी आते हैं। मेरे पति कल भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष साबित होंगे, लेकिन पूरा सीडीआर जब आप लोग जानते हैं कि 17 बार मेरे पति उससे बात की है, तो पूरा सीडीआर पब्लिक डोमेन में लाइए और कौन कौन सफेद उनसे बात करते हैं, वो सफेद हो सकते हैं या जो लोग अगर मेरे पति बात करने के आधार पर दोषी हैं, तो जिन जिन लोगों से उनसे बात हुई तमाम लोग दोषी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से गुहार करती हूँ, उन सब सफेद पोष का या जो कोई भी बात करते थे, अगर अगर बात करने के आधार पर मेरे पति दोषी है और मुझसे इस्तीफा मांगा गया, तो जो लोग बात करते थे सब दोषी थे, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे सफेद पोष हो। मैं जवाब दे रही हूँ, पति भी सामने क्यों नहीं आए? पति भी सामने आ जाएंगे, पति भी सामने आ जाएंगे। सोची समझी साजिश है लोगों को बचाने के लिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई, हम गए थे कुछ आपके हमको राय विमर्श करना था, हम राय विमर्श विश्वास करती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मैं गुहार भी लगाती हूँ अगर यह सीडीआर पब्लिक डोमेन में आया तो वहाँ लोगों का नंबर और नाम सही होना चाहिए, और वो लोग भी अगर अगर बात करने के आधार पर मेरे पति दोषी है, वो सब लोग दोषी है जो ब्रजेश ठाकुर से बात करते हैं। विपक्ष के नेता हमें टारगेट किए, ठीक है, उनका कहना था मंत्री इस्तीफा दो, मंत्री इस्तीफा दो, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया इस्तीफा? मंत्री ने इस्तीफा दे दिया इसलिए कि आप लोग हतोबा करते थे, विपक्ष के नेता हतोबा करते थे, इसलिए मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन देखिए हमको बोलने दीजिए, लेकिन मुझे माननीय उच्च न्यायालय पर और सीबीआई जैसी साफ एजेंसी स्वच्छ एजेंसी पर पूरा विश्वास है कि मैं आज भी उतने डंके के चोट पर कहती हूँ कि मेरा निर्दोष है और निर्दोष साबित होंगे, और जिस दिन सीबीआई हमारे पति को निर्दोष साबित करेंगे तो मैं उस औरत पर मानहानि का केस करूंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।